अगेंद्र ठीक है इस तरह से नाइन का दिखा रहे सी आज आप अगे वाले करांगे बी तो चाली ठीक है। सो एना विचो भी बी तो चाली तो देख लियो कि थर्डी कॉपी उते थोड़े बहुत अगेंद्र जिस तरह 25-30 तक अगेंद्र होने ही चाहिए ने ठीक है। उन्होंने विचो दी तुसी थोड़ा थोड़ा पोर्शन कर सकते हो जिस तरह पहला मैं थानू करवाई सी उहदे विचो पांच फिर पांच फिर पांच फिर पांच ठीक है। इस तरह करते जाओ ताकि एंड तक जिन्हें भी पिछेत्र ने अगेंद्र ने वह कवर हो जाए ठीक है। एक तुसी टेस्ट विच ना काफी सारे बच्चे की कर रहे हैं आना दे विच दस्ताना लिख रहे हो ठीक है। वैसे वो शब्द ठीक है पर ए वाला वर्ड ना लिखो ये रॉन्ग हो रहा है। दो तीन बच्चों का हाले में टेस्ट किया दस्ताना लिख रहे हैं ना लिखो उन्होंने कट दो ठीक है। सो आप बी तक किते ने सब तक किते सी नेक्स्ट है स्वै सेल्फ ठीक है। स्वै सेल्फ हुण इहदे विच काफी हो सकता है जिस तरह दसो स्वै दे तां बनाने आते ने तुहानू अगेत्र Yes, Prabhun. Good morning, ma'am. Ma'am, स्वै मान, स्वै जीवनी, स्वै विश्वास, स्वै रक्षा. Okay, good. ठीक है जी. स्वै मान. ठीक है जी. सामने अपने आप को क्या मान होना चाहिए है. स्वै मान, स्वै जीवनी, खुद की रची हुई जीवनी. स्वै निर्भर भी हो सकता है तुसी अपने उत्ते ही खुद डिपेंड कर दे स्वै रोजगार स्वै परचोल स्वै चालक राइट। नेक्स्ट है सण सण Yes, Amritpal. Good morning, ma'am. Good morning. Sun kapdi, sun tabri. Sun parivar. Okay, good. Sun hunda naal, theek hai? So, sun kapdi, kapdiyan de sameet. Sun parivar, sun tabri. Tabbar parivar, iska scene hi aanda hai, theek hai? Par likha hua hai, to kisi alag nahi kar sakte hain. Sun tabri. नेक्स्ट है सम मींस बराबर सम बराबर यस अशीन मैम ऐसा हो सकता है समदर्शी समदृष्टि सम समपावी ये भी हैंडलेस कितना सिमिस्ट्री यस मैम समदर्शी समकाली समपावी समतोल ओके ठीक है राइट समदर्शी वैसे आने के लिए ऐसी दो दो ही नहीं ठीक है पर जे तुहानू दो तो ज्यादा आते नहीं तो तुसी लिख सकते हो जिस तरह हम कई लिखा से तुसी दस्ताना वो गलत हो गया अगर तो किसी ने ओदे तीन लिखे ने तो फिर वो दो सही वाले कंसीडर हो सकते हैं पर अगर तुसी दो ही लिखे ने मान लो जे तुहाडा एक गलत भी हो गया तो फिर ठीक है सेफ साइड रखा करो दो तीन या चार तो लर्न करने ही करने ठीक है समदर्शी संभावी समकाली मतलब संभावी नेक्स्ट है सम पटिपी मतलब बराबर अपन सोनी अपन सोन सोन टिप्पी आ रही ना कि नन्हे की आवाज नाल साउंड कर रही है तो आप उन्होंने लेके नाल ही चलना है मैम ऐसे हो सकते हैं संगठन संपूर्ण संगीत संवाद और कोई एक्स्ट्रा ठीक है जी संगठन गठन
पहला स फिर गठन, ठीक है। संवाद, वाद का अपना मतलब, ते सम मतलब उदा अगेतर, ठीक है। देन संजीवनी, यस मेहुल, संपूर्ण, पूरण, ठीक है, संपूर्ण, ठीक है। इसके अलावा संयोग भी हो सकता है, संचालक भी हो सकता है, संयुक्त भी हो सकता है। नेक्स्ट है शाह, बड़ा, शाह, यस प्रगुण। मैम शाहसवार, शाकार, शाहसवार, शाकार, ठीक है। शाहसवार, शाहसवार नहीं, शाहकार, बड़ा कभी वड्डा जिन्हें बहुत वड्डी रचना लिखी होवे, शाहकार, शाहरग, शाहराह, शाहखर्च, वड्डा सारा खर्च जो आपका लगना होवे, शाह खर्च हो गया, सदा बहुत वड्डा खर्च हो गया। नेक्स्ट है सर, सहर, विद, सर, अर्शीन, मैम एदे विच आ सकदा है सरपंच, सरहद, सर, सरगुण, सरताज, मैम एदे विच सरगम आएगा, आ सकदा है गुणा, गुणा दे नाल आ सकदा है, ठीक है। सरपंच मतलब पंच दे सहित जिहड़ा सरपंच हुंदा है, सरहद, हद दे सहित सरहद, ठीक है। सरगुण भी आ सकदा है गुणा सहित, सरगुण, सरहद, सरपंच, ठीक है। इसके अलावा भी तुसी लिख सकते हो सरगर्म, लिख सकते हो सरताज, लिख सकते हो। नेक्स्ट है सरब, सारे प्यासे, सरब ये कई बारी ना वो दे नाल भी हो जाता है, ठीक है, बब्बा भी होता है तो कई बारी वो भी आ जाता है, सरब मतलब जिहड़ा सारे पासे होवे। एक आपा परमात्मा दे नाल जोड़दे हां इस शब्द नूं, मैम सर्वव्यापक, हां जी, सर्वव्यापक, ओमनीप्रेजेंट परमात्मा सर्वव्यापक है। मैम एदे च हाइफन वाले, हाइफन आएगा बिच, हां हां, की इकट्ठा ही वर्ड होएगा, आना है, आना है, आना है, सर्वव्यापक। हुण देखो बेटा आपां इहदे विच बाबा भी लिख सकदे हां, बब्बा भी लिख सकदे हां, ये अलग अलग है, इहदे विच अलग अलग ही आना सारा, सर्व उच्च, ठीक है, सर्व सम्मति, सारिआं दी सम्मति, सारिआं दी सहमति, सर्व शक्तिमान, सर्व शक्तिमान, सर्व सम्मति, हाइफन पाल, ठीक है। देन है हम, हम मतलब बराबर, हम, जसलीन, हमदा, हम उमर, हम राही, ठीक है, हम राही, हम उमर, हम उमर, और दसो थोड़ी क्लासमेट्स, गुरसिमर, हम सफर,
हम सफर हम साथी हम साथी हम सफर हम साथी हम जमाती हम जोली ठीक है ये काफी हो सकते ने यस कृतिका हमदर्द हमदर्द यस साडे दर्द के बराबर जो खड़ा होता है वो हमदर्द ओके नेक्स्ट है को पल्ला को तीन अग्गे है कु दोनों का मतलब है बुरा कार्तिक विच गुड फॉर द सो ठीक है चलो ठीक है कोई गल नहीं हो ओके गुड यस ध्रुव मेहता हम कबूल हाँ कबूल माड़ी बोल बोलना ठीक है माड़ा पुत्र ठीक है एक कप्पे दे नाल ते कु दोनों दे नाल चल सकता है कुछ अज्जी जे कोई काम करन दा चज नहीं हुंदा कोई काम नहीं हुंदा ठीक है राइट और मैम को संगत हो सकता संगत हो सकता है पालो को संगत पड़ेगा ठीक है वो पूरे में जाएगा राइट ठीक है गुड माड़ी संगत ठीक है कुछ ऐसा भी वर्ड नहीं जेडे दोनों दे विच आपा यूज कर सकते हां तो संगत नु आपा को दे विच यूज करांगे क दे विच यूज नहीं करांगे गुरसिमर मैम वो वर्ड्स बोलने हैं कुथा कुराहे कुवेला कुवेला मार ओके कू दे विच आ गया ओ कुवेला भी आपा वैसे बोल देने हां पर आपा जब लिख दे हां फिर ओ कुवेला ही आंदा है ठीक है अच्छा एक और ए तो मैंने याद आया कि तुसी टेस्ट विच की किता होया है काफी बच्चों ने जिस तरह बुक दे विच लिखया ना तुसी उसी तरह ही लिख दिता ठीक है जबकि मैं थानू क्या सिगा कि जेड़ी आपा बोलचाल दी लैंग्वेज है ते जेड़ी आपा लिखदे हां ओदे विच काफी ज्यादा चेंजेस हुंदे ने हुण तुसी बुक दे विच उदी तां बड़े स्मार्टली कई बच्चों ने लिख दिता ओदे विच सुकरात वाला प्रश्न सी ना जहर दा प्याला शरबत वांग दी पीता लिखता जदों आपा ग्रामेटिकली लिखदे हां ते फिर एक रॉन्ग हुंदा है पी लिया दिस इज राइट ठीक है जिन्होंने लीता लिखा ना उन्होंने मैं हाफ मार्क्स कट लिया पहली गल है वो बुकिश लैंग्वेज आती है बुकिश लैंग्वेज लिखी है तो फिर उन्होंने सही तरह लिखो लिया लिखो ठीक है सो ये हाले मैं टेस्ट कीते ने चेक उन्होंने विचों दी दो तीन बच्चे ने तो गलत ही ने ठीक है इन तो पता लगता है कि तुसी बुक लई हुई है सामने तो जिहड़ी वर्डिंग है तुसी उन्होंने ही लिख दिता नो आपा लीता सिगा ये वर्ड आपा बोलते जरूर हाँ पर आपा कभी भी लिखते नहीं हो पंजाबी च आपा इस तरह नहीं लिखते आपा सिगा वर्ड कभी भी नहीं लिखते आपा लिखते हाँ सी बहुते बच्चे इस तरह के ने जिन्होंने मैं देखा हुआ कि वो लिता लिता लिखते रहते हैं मैं पेन लिता नहीं मैं पेन लिया जे तुसी लिखना ही है वाकई पंजाबी लिखनी है तो फिर तुसी उन्हां नूं सही फॉर्म च लिखो ठीक है एक तुसी परमात्मा दे वर्ड लिखते हो लास्ट जिहड़ा सिगा कैदी दे घर विच की तब्दीली आई तुसी परमात्मा दे वर्ड दा लिख रहे हो ठीक है ये भी रॉन्ग है प्रॉब हो गया ना ठीक है वो नहीं आपा लिखना एग्जैक्ट है परमात्मा कुछ कुछ वर्ड्स ने उन्होंने तो सही करो ठीक है बाकी जिन्हें छोटिया मोटिया गलतियां हो रही ने कई जिस तरह अदत नहीं पा रहा लगा के बीच लगा लगा लिखी जा रहे हैं ठीक है वो छोटिया छोटिया अपनी गलतियां सुधारो राइट सो जिन्हों दिन एक दो इदा दिस्टेक्स भी ने उन्होंने तो हाफ मार्क्स कटिया है ताकि थानू अगू की पता लगे कि टेस्ट विच असी इस तरह की गलती नहीं करनी ठीक है
जसनैन ठीक है। थर्टी फर्स्ट है कम का मतलब कट, कम कट दसो ये मिष्टी मैम कम अकल कमजोर और कम दिल ठीक है ओके कमजोर जोर घट हो गए ठीक है कम दिल जिदा दिल छोटा हो गए आप कम दिल भी लिख सकते हैं ठीक है और कमजोर पर जो कमजोर है ना बेटा इन किसी कट ही दो ये ना लिखो क्योंकि जो तो आप कमजोर लिखते ना फिर आप ऊपर अंदर पाने ठीक है तो फिर अंदर पैदी है इन रहन दो इन ना लिखो कमजोर रहन दो लिखन बुक दो भी कट ही दो ठीक है कम अकल लिखो जिन्हों पर बहुत ज्यादा ठीक है सो कम चार वर्ड काट ही दो नेक्स्ट है कल कल मीन्स भैड़ा कल एक वर्ड आप हुणे हुणे पढ़िया है शब्द के विच आया सी कृतिका कल युग हाँ कल युग आप हले हले पढ़िया सी हाँ जी ठीक है और दसो कलयुग अमृतपाल यस अरमान मैं कल जोगन कल मुहा ओके ओके गुड ठीक है कल जोगड़ जरा पैड़ा एक हिंदा है पैड़ी सी हिंदी है कल मुहा ठीक है नेक्स्ट है खुश बहुत सारे बात सकते हैं बहुत ज्यादा इजी खुश हर्षिसानी मैम खुशकिस्मत खुशखबरी खुशहाल खुशकिस्मत खुशखबरी मिष्टी मैम खुश मिजाज खुशखबर खुश दिल भी आ सकता है खुश नसीब खुशबू खुशहाल खुश फहमी ठीक है नेक्स्ट है गैर गैर मतलब बेगाना बहुत पैरिज बिंदी गैर गुरसिमर गैर कानूनी गैर हाजिर गैर सरकारी गैर जिम्मेवार गैर जिम्मेवार गैर कानूनी ठीक है गैर हाजिर ओके गैर रस्मी गैर सरकारी ये भी आ सकते हैं नेक्स्ट है गुर गुर
शांतनु। मैम गुरु का गुरु उपदेश गुरु मंत्र गुरु आगे बोलियो शांतनु। ओके अर्शीन। मैम यदि आ सकते हैं गुरमुख गुरमत गुरपुरब गुरुद्वारा गुरगद्दी। ठीक है ठीक है गुरमत हो सकता है गुरमंत्र हो सकता है राइट। नेक्स्ट है चू चार चू का भी चार है। नेक्स्ट चौ कनौड़ा इसका मतलब भी चार। हर्षित चुवानी चुगिरदा चुफेरा चुगिरदा चौगिरदा भी बोल देने ये वाला वर्ड इधर भी आ सकता है। ठीक है चुगिरदा गुरसिमर चौकड़ी चुपट्टा चौगुना चौरस चौगुना भी हो सकता है। ओके कोई इधर आएगा चौगुना। ठीक है यस मैम वही बता रहा हूँ अंकड़ वाले जाएगा। ठीक है चुरस्ता वो चू वाले जाएगा। ठीक है जिसे चार रस्ते होंगे ने चुकन्ना चौकन्ना भी आ सकता है चुकन्ना भी आ सकता है। ये दोनों तरीके नाल आ सकते हैं। कृतिका चुबारा मैम चुबारा है चुबारा। ओके ओके नेक्स्ट है चहो चार चारे या चार ये चार तरीके नाल आ सकता है। चहो भी आ सकता है चारे भी आ सकता है चार भी आ सकता है। ठीक है इना सारे ना मतलब की है इना भी मतलब ही है चार। ठीक है सो इन आप चारे पासे भी बोल सकते हाँ चार मार्गी भी बोल सकते हाँ चौहो मार्ग भी बोल सकते हाँ। ठीक है चौहो पासे भी बोल सकते हाँ चार दिशावा भी असं कह दें हाँ चौ दिशावा भी बोल दें हाँ जिस तरह भी आ जाएगा इन्होंने तिना पिछों की कोई भी वर्ड आ जाए तो इन्हों के सेम नहीं। ठीक है चौ मुखिया भी हो सकता है वह ये आना चौ दे। ठीक है चार चुफेरे भी हो सकता है चारे कुंटा। ठीक है ये आप शब्द विच कीता सी राइट क्लियर है जी। ठीक है ये तीनों तरीके दे नाल आ सकता है। नेक्स्ट है छी या छे छी या छे ये तीन ही ने बुक विच शिहरफा शिहरटा शिमाही शियासी। ठीक है और ये देखो बच्चे ये ना आसी का मतलब ऐसे है नहीं हो। ठीक है पर कई बार मैं थोड़ा कहा कई इस तरह के वर्ड ने जिन्होंने आप कंप्लीट सेंटेंस में भी अगर वो सही हो रहा तो फिर उन्होंने आप मान लेंगे। हाँ ठीक है इसलिए माही का तो मतलब है माँ जड़े महीने होंगे ने। ठीक है सो आसी का मतलब इदा नहीं है पर आप फिर भी छियासी लिख सकते हाँ। ठीक है इस तो इलावा अगर किसी को होर यह वर्ड आता हो तो मैं दस दो छे या छी का नेक्स्ट लास्ट है 40th क्योंकि इतने तक की आप करने नहीं जन 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 मतलब लोग।
Yes, Prabhun. Ma'am, Jan Seva, Jan Sevak. जारी है हूं आप की बोल दें जन हित जारी है लोगों के भले लोगों के हित ठीक है जन सेवा जन हित राइट जन सेवक होर ने सिर्फ तीन लिखे हुए ने एक्स्ट्रा वाले एड कर सकते हो जो प्रभु ने दसी ने दो ठीक है जन हित जन जीवन जन संख्या ठीक है जन संख्या राइट क्लियर है इतों तक ही आप करा 40 तक ही ठीक है बाकी आप पिछेत्र भी साढ़े हो गए ने पिछेत्र आई थिंक आप भी तक ही किए वो भी आप इदा ही कल कर लवेंगे ठीक है अगले 40 साढ़े हो जाएंगे ठीक है मुहावरे तो मैं करवाने से पर टाइम हो गया सो मुहावरे मैं थोड़ा कल करवावी और नाल पिछेत्र ताकि फटी फटी हो जाए हाँ जी किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो पिछेत्र जिन्हें जिन्हें मैं थानू करवा चाहवागी ना आप भी करते जावे पिछेत्र आप ज्यादा ज्यादा नहीं करा ताकि आ भी जान सो जिन्हें बच्चों ने पार्टीसपेट किया है ठीक है उन्होंने इट मीनस आते ने यस कृतिका मैम फिर आप कॉपी ते लेख करना आप दोनों करने हैं हाँ जी कॉपी ते कर लो मैम बुक विच है कृतिका ते फिर तुसी भूमिका पूरी लिख लो अगर जिद्दां मैं तुहानू कोटेशंस ऐड करवाइयां सी ना दो तीन तुसी ओ लिख लो ते सिर्फ ते हेडिंग ही लिखनी है जेड़ी बाकी भूमिका तो अगली हेडिंग हुंदी है पॉइंट ओ वाली हेडिंग्स लिखी जाओ ना ओदे ओदे हेडिंग्स दे अंदर जेड़ियां जेड़ियां कोटेशंस आंदियां ने ओ लिख लो ठीक है क्योंकि लेख तो थानू बेटा बहुत सारे ने तुसी किन्ने को लेख लिख लोगे जस्ट तुसी जिस तरह तुक्का नाल रिलेटेड कोई दो लिख ले अगों की आप समस्या ना रिलेटेड करने नहीं वो तुसी दो लिख लो ठीक है अरमान मैम लेख जिन्ने हजे तक तुसी कराए हो सारे बुक दे विच ही है बुक विच ही है फिर कोई गल नहीं तुसी सिर्फ ओदा भूमिका सिट्टा इस तरह लिखी चलो ठीक है अगों की जिहड़ी समस्या ना मैं रिलेटेड आनगी ना मैं तुहानू ज्यादा नहीं कहांगी लिखण लई क्योंकि वह बहुत ज्यादा ने फिर आम विषय ने ठीक है वह भी बहुत ज्यादा ने सो आप नहीं लिखांगे राइट इस तरह ही लैटर्स बहुत सारिया ने पर हाँ लैटर्स के फॉरमैट तुम अपनी फेयर कॉपी से जरूर लिख लियो ठीक है वो अंडर जो लैटर्स आदि ने ना वो जरा नीचे स्पेस बचते ना पेज से उतो भी लिखी जाए भी ये वाली लैटर्स आ सकती है ताकि आप बस क्लास में उन्होंने डिस्कस करते जाइए अगो की आप एक लैटर करा वो अंडर जिन्या भी लैटर्स आदि जाएंगे डिस्कस करी जावे ठीक है उन्होंने फॉरमैट लिखी जाए अपनी फेयर कॉपी से ताकि आइडिया रहे फॉरमैट कि लिखना है राइट